एबीपीएस न्यूज सच का साथी। एबीपीएस न्यूज का कारवां आगे बढ़ते हुए जिला संभल पहुंचा, जहां पर देखा गया कि गांव में ग्राम प्रधानों द्वारा सोलर लाइटों का निर्माण कराया गया, तो वहीं नलों को रिबोर कराकर स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम प्रधान के प्रयासों से शौचालयों का निर्माण कराया गया, तो इसके साथ साथ तमाम अन्य योजनाएं जो सरकारों द्वारा चलाई गयी उन्हें आम जन मानस तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा सड़कों का निर्माण कराया गया, ताकि लोग अच्छे से अपना रास्ता तय कर सके। इसमें सीसी रोड के साथ साथ टाइल्स वाली रोड के अलावा कच्चे काम के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से भी रास्तों का निर्माण कराया गया है। तो वहीं प्राथमिक विद्यालयों में भी ग्राम प्रधान ने ग्राम निधि के द्वारा तमाम कार्य कराए, चाहे वो मॉडल शौचालय का मामला हो, चाहे स्कूल में टाइल्स बिछाने का मामला हो। आगे की बात सुनते हैं सीधे ग्राम प्रधान की जुबानी। मैं ग्राम प्रधान के सरपुर विकास खंड रजपुर जनपद संपर्क कर रहने वाला हूँ। जितनी भी मेरे ग्राम पंचायत में धनराशि दी गई है चौमा वित्त और राजवित्त की, मैंने अपने गांव में पूर्ण विकास किया है। काफ़ी सड़कें इंटरलॉकिंग खड़ंजे कराए हैं और लेटरिंगों का काम प्रगति पर चल रहा है। मेरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है और मेरे गांव में कुछ प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नहीं है। काफ़ी ज़रूरतें हैं गांव के विकास के लिए, उतनी पूर्ण रूप से धनराशि नहीं मिल पा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि मेरे पूर्ण विकास के लिए धनराशि उचित मिलनी चाहिए। मेन समस्या क्या है पानी आपके गांव में? जी, मेन समस्या है मेरे गांव का पानी का निकास नहीं है। नाला निर्माण की बहुत ज़रूरत है मेरे गांव में। पक्का नाला निर्माण हो जाए महावा नदी तक, तो मेरे गांव का पानी का निकास और खरंजे जो टूट जाते हैं उसकी बचत हो जाएगी। यहाँ हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी कि जंगलों में महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए रात में, बरसात में और ये समस्या होती थी लेटिन वगैरह के जाने के लिए, शौचालय की बहुत बड़ी समस्या थी। तो यहाँ पर अभूतपूर्व विकास कराते हुए शौचालय पर इतना ध्यान दिया गया है कि लगभग मेरे ख्याल से 300-350 शौचालय का लक्ष्य है, उसमें से 300 शौचालय केवल अब तक बन चुके हैं और अभी कार्य जारी है। इसके साथ साथ जहाँ पर निकला नहीं जाता था पहले, इतनी हालत ख़राब थी कि कीचड़ थी और पैरों से ऊपर को कपड़े निकलना पड़ता था, वहाँ पर इंटरलॉकिंग है और इंटरलॉकिंग के माध्यम से नाली का निर्माण भी कराया है और जितना भी हो सकता है अन्य समय के अनुरूप, मतलब काफ़ी अच्छा विकास किया गया इस समय, बहुत अच्छा विकास किया है। और अभी मैं आशा करता हूँ कि अभी तो 2 या 2.5 वर्ष अभी हैं, तो वैसे विकास के संबंध में वह प्रयासरत भी हैं और उन्होंने हमें हमारे सामने अभी अभी DM साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया था यहाँ के नाला निर्माण के संबंध में और यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में और कई विकास कार्यों के संबंध में ज्ञापन दिया था। एक बार ये मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति को मैं तो विकास पुरुष ही कहूँगा और मेरे ख्याल से गाँव के स्तर से ठीक और बढ़िया कार्य कर।